फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉम ब्यूटी और मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। सबसे पहले तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और अगर इतना सा भी अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना एंड डू कमेंट बिलो कि आप लोगों को कैसा लगा। और मेरे चैनल पे फिलहाल चल रही है एक बड़ी सी गिव अवे, तो उस गिव अवे में भी जरूर पार्टिसिपेट करना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी, सो आप लोग चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को और आप लोग भी पार्ट ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि कैसे आप घर पे बैठ के और बहुत ही आसानी से और घर के ही कुछ चीज़ों से जो आपके पास अवेलेबल हो, वैसे ही कुछ चीज़ों से आप घर पे बैठ के एक पोर फिलर, बहुत ही अच्छी प्राइमर बना सकते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगी कि प्राइमर बहुत ही महंगी आती है, मार्केट का जो प्राइमर होती है, और वो सारे स्किन के लिए रोज़ रोज़ यूज़ करना सेफ भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक DIY प्राइमर की रेसिपी शेयर करूं ताकि आप लोग उसको डेली वेयर में यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमको इसके लिए चाहिए एक खाली डिब्बा, छोटी सी डिब्बा ही चाहिए, क्योंकि हम लोग एक साथ बहुत सारे ना बनाकर छोटे छोटे पार्ट में, क्योंकि ये हमारे घर पे ही अवेलेबल होता है, तो बहुत सारा एक साथ नहीं बना के छोटे छोटे पार्ट में बना के रखना ही ज़्यादा समझदारी होगी। तो छोटा सा एक डिब्बा हमको लेना है सबसे पहले। ये तो बायोटिक का डिब्बा है जो कि फेशियल किट में आता है और ये ख़त्म हो गया है और मैंने इसको धो के क्लीन करके रखी हुई है। मैं इसको बना चुकी हूँ पहले और इस छोटे से डिब्बे में ही बना चुकी हूँ पहले भी, और मैंने काफ़ी दिनों से इसको ट्राई कर रही थी कि ये सच में काम करेगी कि नहीं। मुझे रोज़ निकलना पड़ता है और मैंने देखा है कि 4-5 घंटे मेकअप आराम से जल जाता है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसमें जो जो चीज़ें डालूंगी बाद में वो ऑल इन वन का काम करेगी, आपको अलग अलग चीज़ों को अप्लाई करना ज़रूरी नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमको क्या क्या इसके बाद चाहिए होगी। DIY प्राइमर बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले चाहिए ये एलोवेरा जेल, और उसके बाद हम लोगों को चाहिए एक सनस्क्रीन। मैं यूज़ कर रही हूँ लोटस मैट जेल, ये बिल्कुल एक मैट एंड स्वेट प्रूफ फॉर्मूला है इस सनस्क्रीन का, इसीलिए मैं इस सनस्क्रीन को ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को चाहिए होगी कि प्राइमर ऐसी हो जो ज़्यादा स्वेट प्रूफ हो, ज़्यादा पसीना हमको नहीं आए, इसीलिए मैं एक मैट सनस्क्रीन ही यूज़ कर रही हूँ। और इसके लिए क्या होगा कि आपको अलग से कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक ये प्राइमर यूज़ करें और आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद हमको यूज़ करनी है अपनी फेवरेट वाली मॉइस्चराइज़र, और ये अगर आप इस्तेमाल करोगे अपना, आप अपना पसंद का कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, और अगर आप मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करोगे तो आपको अलग से मॉइस्चराइज़ करने की आपके स्किन को कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्राइमर लगा के और उसके बाद अपना मेकअप करके भी बाहर निकल सकते हो। और चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए वो है ये है लैक्टोकैलामाइन। ये मैंने छोटा वाला लिया है क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं होगी, और लैक्टोकैलामाइन बहुत ही अच्छी एक चीज़ है। आप इसको वैसे ही शायद बहुत सारे जन यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि ये स्किन के लिए अच्छी है, और बहुत ही पुरानी एक ब्रांड है, हमने जो हमारे बचपन में भी यूज़ किया है इसको बहुत ज़्यादा। और ये भी एक मैट जो फॉर्मूला है ये है, आपकी अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो तो आप वो ग्रीन वाला भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं एक पोर फिलर मैट प्राइमर बना रही हूँ इसीलिए मैं ये वाली जो पर्पल वाली यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको डीवी फिनिश चाहिए होगी तो आप वो ग्रीन वाली भी यूज़ कर सकते हो। तो बस आपको और कुछ नहीं चाहिए, इतनी सारी जो चीज़ें हैं, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, एलोवेरा जेल और एक लैक्टोकैलामाइन। लैक्टोकैलामाइन में एक हल्की सी टिंट भी है जो कि आपके फेस को एक इवन टोन देगा, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसमें ग्लिसरिन भी है जो आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा होल्ड करेगा और लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा।
अगर आपके पास निविया आफ्टर शेव बाम हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास अगर लैक्टोकैलामाइन नहीं है और निविया आफ्टर शेव बाम है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है आपकी तो आप डायरेक्टली ग्लिसरीन भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ग्लिसरीन बहुत ही चिपचिपा होता है और मैं नहीं चाहूँगी कि प्राइमर जो है वो उतना ज़्यादा चिपचिपा लगे, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अगर वो ग्रीन वाला ले सके तो लेना लैक्टोकैलामाइन में, और अगर आप एक मैट प्राइमर चाहते हो तो ये पर्पल वाली ही लेना। तो चलिए अब हम बना लेते हैं इन सब चीज़ों को मिला के एक बहुत ही अच्छी लॉन्ग लास्टिंग स्वेट प्रूफ पोर फिलर प्राइमर। सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल, आप अपने हिसाब, मैं सब कुछ 1 टीस्पून ले रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप टेक्सचर देखना और टेक्सचर देख के डिसाइड करना कि आप लोगों को कौन सी और ज़्यादा चाहिए, अगर थोड़ी सी आपको ये लगे कि ज़्यादा मैट हो गई है तो थोड़ी सी और मॉइस्चराइज़र दे देना उसमें। आप इसमें थोड़ी सी शिमर भी डाल सकते हो और ये इल्यूमिनेटर का काम भी कर देगा। आप इसमें थोड़ी सी फाउंडेशन भी डाल सकते हो और इसमें बहुत ही अच्छी एक टिंट आएगी और बहुत ही अच्छी इवन टोन कर देगी आपकी पूरी स्किन को। और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी सनस्क्रीन। सब कुछ मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी लैक्टोकैलामाइन और उसके बाद हमको डालनी है अपना फेवरेट वाली मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर को स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैट हो जाएगा नहीं डालने से। और बस आपका जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब इसमें मैंने डाल लिया है। और अब मैं लूंगी एक बॉबी पिन और इसके सहायता से मैं इन सारे चीजों को एक साथ मिला दूंगी कुछ इस तरह से। आप इसका टेक्सचर देखना, जब बनाना हो जाएगा टेक्सचर देख के डिसाइड करना कि बहुत ज़्यादा अगर मॉइस्चराइजर आपने मिला दिया है तो थोड़ी सी और ज़्यादा लैक्टोकैलामाइन दे देना, और अगर थोड़ी सी ज़्यादा आप मैट हो गया देखना तो आप इसमें थोड़ी सी और मॉइस्चराइजर दे देना। आप टेक्सचर देखना और उसके बाद डिसाइड करना कि आपको और क्या क्या इसमें चाहिए होगी। तो मैंने सब कुछ मिला लिया है एक साथ और इसको अप्लाई करोगे तो 4 से 5 घंटा आराम से आपका मेकअप चल जाएगा। मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ इसे, अप्लाई करके निकलती हूँ घर से और इसीलिए मुझे पता है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। आपका रोज़ का मेकअप के लिए तो आप प्राइमर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्राइमर बहुत ही महंगी आती है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक DIY प्राइमर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आपको रोज़ कहीं निकलना पड़ता है घर से तो आप इसको लगाकर फिर अपना बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम या फिर फाउंडेशन जो कुछ भी लगाते हो वो लगा के आप निकल सकते हो। तो रेडी हो गया है हमारा DIY प्राइमर और देख रहे हो शायद कि इसमें हल्की सी एक टिंट भी है, हाँ एक हल्की सी पीच कलर की टिंट भी है जो कि बिल्कुल दिखने में लग रही है कि मार्केट के प्राइमर के जैसा ही। तो अब मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। और कैन यू सी कि मेरी जो स्किन है वो कितनी स्मूथ हो गई है, मुझे पता नहीं है आप लोगों को महसूस हो पा रहा है कि नहीं, वो तो आप लोग
इसको ट्राई करोगे घर पे बना के तो ही आपको ये पता चलेगा। तो प्लीज आप इसको घर पे जरूर ट्राई करना और मुझको बताना कि कैसा लगा ये रेसिपी। और इसको आप एक महीने के लिए रख भी सकते हैं स्टोर करके, फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे अपनी ड्रेसिंग टेबल में रख सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, आई होप कि अच्छी लगी है। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तुम लोग लाइक नहीं करते हो यार, बड़ा दुख होता है कि कितनी मेहनत से मैं इस वीडियो को बनाती हूँ, एक एक वीडियो बनाती हूँ, और तुम लोग देखकर चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, मुझे बड़ा दुख होता है। और सब्सक्राइब तो जरूर 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 करना, ठीक है? तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।